नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। आप सब लोग देख रहे हो सविता फैशन और मैं हूँ सविता। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे हो। दोस्तों आज मैं दिखाऊंगी ब्लाउज पे स्लीव्स किस तरह से सिलाई होता है। बहुत सारे लोगों का जो स्लीव्स है ना ये सिलाई करने में दिक्कत होता है, उन लोगों का समझ में नहीं आता है ये कैसे जॉइंट करना है, सिलाई कैसे करना है, उसके बाद फिटिंग्स कैसे देना है। बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम होता है, कमेंट में मुझे बहुत सारा मिलते हैं। तो आज मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो छोटा सा एक तैयार करके देती हूँ। किस तरह से सिलाई करने से आपका कोई भी साइज का ब्लाउज हो कोई दिक्कत नहीं है, आप इजीली इसमें सिलाई कर सकते हो। ये स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी, छोटा सा वीडियो है, बिना स्किप करके देख लीजिएगा, आपका बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो फिर चलिए देख लेते हैं। देखिए पूरा ब्लाउज यहाँ पे सिलाई करने के बाद यहाँ पे देखिए शोल्डर का जो जॉइंट है मिडल पे, यहाँ पे देखिए इस तरफ ये फैब्रिक घुमा हुआ है, बिल्कुल उसी तरफ इसको ऐसे पहले मिला के रखना है। अभी देखिए शोल्डर से यहाँ से मिडल से आपको लेना है, स्लीव्स का मिडल आपको निकाल लेना है। मिडल पे आप चाहो तो पहले यहाँ पे पिनअप कर लो। देखिए यहाँ पे पिनअप हो गया है मिडल पे। अभी यहाँ से धीरे धीरे सिलाई करते हुए आपको यहाँ तक लेके आना है। तो चलिए पहले सिलाई कर लेते हैं। देखिए एक साइड पे सिलाई करने के बाद यहाँ पे चेक करके देखना है स्लीव्स का फैब्रिक यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा है। अगर एक्स्ट्रा होता है आपको क्या करना है, सेम दूसरे साइड लेना है, यहाँ पे बराबर मिला के आपको यहाँ पे निशाना लगा लेना है। अगर एक्स्ट्रा होता है उस टाइम पे ऐसे आपको निशाना देना है, अगर एक्स्ट्रा नहीं होता है उस टाइम पे निशाना देने का जरूरी नहीं है। अभी देखिए इसको पहले यहाँ पे पिनअप लगा लो, जितना एक्स्ट्रा हुआ है उतना ही एक्स्ट्रा छोड़ना है, छोड़ के पिनअप कर लो। यहाँ पे हो गया है काम। अभी देखिए इसके पलट लेना है, यहां से हल्का सा पहले इस तरीके से चेक करके देखना है फैब्रिक बराबर है या नहीं। देखिए यहाँ पे बिल्कुल बराबर होगा, सिलाई करते दम कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अभी दोबारा से आपको शोल्डर से यहाँ से सिलाई करना है। ज्यादातर लोग यहाँ पे गलती कर लेते हैं, एक साइड पे जब ऐसे सिलाई होता है जब एक्स्ट्रा होता है दूसरे साइड पे क्या होता है बराबर होता है, जितना इस साइड पे आपका ज्यादा होगा उतना सेम यहाँ पे होना है, नहीं तो फिटिंग्स करते वक्त आपको दिक्कत होगा। अभी ये सिलाई करते वक्त थोड़ा सिलाई करने के बाद आपको चेक करके दोबारा से देखना है दोनों पार्ट बराबर है या नहीं। अगर किसी भी कारण एक साइड ज्यादा एक साइड कम होता है उस टाइम पे जिस साइड पे फैब्रिक थोड़ा कम होता है उसमें हल्का सा खिंचाव रखना है, और जिसमें ज्यादा है उसमें लूजिंग करके रखना है, तब देखिएगा बराबर यहाँ पे हो जाएगा। तो मेरे यहाँ पे बिल्कुल बराबर है। देखिए यहाँ पे जितना एक्स्ट्रा है अभी एक्स्ट्रा यहाँ पे काट कर लो, हो गया। अभी यहाँ पे फिटिंग्स लगा लो साइड पे बराबर ऐसे मिला के साइड पे सिलाई लगा लो। अगर आप यहाँ पे बराबर मिला के सिलाई नहीं करते हो उस टाइम पे फिटिंग्स करते टाइम आपका यहाँ पे आर्महोल बराबर नहीं होगा, बहुत दिक्कत होगा फिटिंग्स पे, इसलिए आपको यहाँ पे बराबर करके सिलाई करना है। तभी मैं यहाँ पे इस तरह से सीधा करके सिलाई लगा लेती हूँ, उसके बाद हो गया। इस तरीके से ये सिलाई देने के बाद आपको पूरा ब्लाउज कंप्लीट करना है, कमर पट्टी भी लगा लेना है, अभी फिटिंग्स देना है। तो फिटिंग्स पर निशाना लगा के आपको यहाँ पे देखिए बाजू का जो मोहरी है यहाँ पर भी आपको निशाना लगा देना है, उसके बाद इसमें फिटिंग्स का सिलाई देना है। तो देखिए जैसे मैंने इसमें निशाना लगाया था बिल्कुल वैसे आपको फिटिंग्स का निशाना लगा लेना है। यहाँ पर थोड़ा सिलाई करने के बाद इस तरीके से हाथ से आपको चेक करके देखना है आर्महोल का दोनों जो ये स्लीव्स का सिलाई है बराबर हुआ है या नहीं। अगर बराबर नहीं होता है उस टाइम पे दोबारा से आपको ये सिलाई निकाल के दोबारा से सिलाई देना है बराबर रख के। आप चाहो तो इसको आर्मो से भी सिलाई कर सकते हो, यहाँ से सीधा नीचे की तरफ लेके जाना है फिर यहाँ से ऊपर की तरफ लेके आना है, स्लीव्स का जो फैब्रिक के ऊपर की तरफ रहेगा। फिटिंग्स हो गया है, आप यहाँ पे देखिए आर्महोल पे देखिए स्लीव्स का जो जॉइंट है बिल्कुल बराबर हुआ है। इस तरह सिलाई करते वक्त इस तरह ध्यान में रखना है बराबर है या नहीं। अगर किसी भी कारण
थोड़ा सा ऊपरनेस होता है, कोई दिक्कत नहीं है, फिटिक्स पे कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन देखने में अच्छा नहीं लगता है, वही बात है। दोस्तों बाजू ज्वाइन करते टाइम आपको ये सब बातें ध्यान में रखना है। अगर ये सब ध्यान में रखते हुए आप सिलाई करते हो उस टाइम पे आपका ब्लाउज भी इस तरीके से परफेक्ट सिलाई होगा। देखना दोस्तों किस तरीके से मैंने आपको बहुत ही इजीली ब्लाउज का स्लीव्स कैसे ज्वाइन करना है वो मैंने समझाया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसके बाद भी कहीं पे अगर आपको कोई भी डाउट रहता है कमेंट बॉक्स खाली है वहाँ पे लिख दीजिएगा, और आपका भी कोई रिक्वेस्ट है तो वो भी लिख दीजिएगा, मैं आपको पूरा समझाने की कोशिश करती हूँ। और इस ब्लाउज का पूरा काटिंग और सिलाई का वीडियो का लिंक कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जरूर देख लेना। तो दोस्तों उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, पसंद आने पर लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। टाटा।